अल्लाह ने कहा है कि मलाइका को कोई भी है जन्नत का दरवाजा नहीं खुलना, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देर मत करना। ये हदीस क्या सही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है उसामा भाई कि एक ही पूछिए फिलहाल, क्योंकि काफी लोग हैं और मैंने पिछली बार किसी भाई को मना किया है। सवाल जी आप कल ले लीजिएगा इंशाल्लाह, कल भी हम आपके आपके लिए हाजिर रहेंगे। जी शेख, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा है जब कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, नबी आए तो देर मत करना। जी मुझे मुझे इस तरह की किसी हदीस का इल्म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर कि जी दरवाजा सब जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा, ये हदीस है। लेकिन भाई ने जिसका जिक्र किया मुझे मेरे इल्म में नहीं है, अगर वो उनके पास कोई हवाला हो तो वो बताएं ताकि हम वहां पे जाके चेक कर सके। लेकिन ये बात ये सही तो है कि जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले खोला जाएगा। नहीं, इस जी बात पर तो जी मेरा ईमान नहीं कि सबसे पहले। नहीं, शेखी की सवाल उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी मेरा जी इस बात पर तो ध्यान नहीं कि सबसे पहले जन्नत में और उम्मतों में सबसे पहले अल्लाह के रसूल उम्मत मोहम्मदिया जाएंगे। मतलब जन्नत में सबसे पहले अल्लाह की तमाम जन्नतों में अल्लाह, ये उसके अलावा कोई और हदीस? ये तो मैंने हदीस सुना उलमा से अल्लाह के रसूल से नहीं, कि आपकी अल्लाह के आवाज नहीं आ रसूल, रही ओसामा उसके भाई, अलावा आपकी किसी आवाज हदीस में ड्रॉप हो गई हदीस है। दी है? हेलो, आ रही है शेख आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। जी, आप अपना सवाल पूछिए शेख ने, जैसे एक सवाल का जवाब आपके दे दिया। वो जो हदीस आपने नहीं, जिक्र किया उसका उसका आप हवाला बताएं ताकि हम चेक कर सके। मैंने आपसे अर्ज किया कि जो अल्फाज आपने जिक्र किए हैं मेरे इल्म में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हो सकता है वो हदीस हो, आपको मालूम जी हो तो हमें वो बताएं ताकि हम उसको चेक करें।